फाइनली हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। ये बाबूसर टॉप है, ये आप देख सकते हैं, बादल ही बादल है, ये पूरा ये सब बादल है। उतार दो अब तो, ऊपर का ये उतार दो, जैकेट भले पहने लो राइडर हो। अब बारिश नहीं मिली ना, नीचे भी नहीं होगी। ये है बाबूसर टॉप, साइकिल जिप लाइन, वो वहां से वो जा रहा है। बहुत ऊंचाई है, गाड़ी वाले सोच समझ के आए, बाइक वाले भी सोच समझ के आए। कम से कम भी 20-25 मिनट तक पहले गियर पे गाड़ी चली है और गाड़ियों ने बस कर दी थी कि भाई अब बस, एनफ इज एनफ। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत पकड़वाई गाड़ियों को और गाड़ी हमें बाबूसर टॉप तक ले आई है। ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट है ना, ये कुंजरा वो चाइना गेट कम है, ये हाईएस्ट पीक है इस वक्त पाकिस्तान की। और ये सारी बाइक्स खड़ी हैं हमारी, ये सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब यहाँ से तस्वीरें तस्वीरें खींच के नीचे जाएंगे तो कुछ लंच वंच का प्रोग्राम बनाते हैं। ये है बाबूसर टॉप की जिप लाइन, ये साइकिल पे जाते हैं, यहाँ आगे सिर्फ बादल ही बादल हैं और कुछ भी नहीं है। ये कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए, यहाँ भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह है। ये हमारे सिंध बाइकर्स, ये बाइक सारी यहाँ पर खड़ी हैं। हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। और ये है यहाँ का बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है कराची से 1736 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं। बाबूसर टॉप 13,700 फीट की बुलंदी है इसकी। ये है बाबूसर टॉप। ये है बाबूसर का रास्ता, बाबूसर से चिलास जा रहा है ये रास्ता। और ये आप व्यू देखें, हम वहाँ उस पहाड़ से आए हैं, वो पहाड़ जो ऊपर है वहाँ से आए हैं हम। ये पानी वहीं से ही आ रहा है। सारी बाइक्स हैं, यहाँ रुकी हैं क्योंकि ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, गर्म हो गए थे बहुत सारी बाइक्स में, इसलिए यहाँ रुक दी हैं। और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ, खाना खा रहे हैं। यहाँ खाने का सीन बनाया है, छोला दाल भिंडी प्याज के साथ, VIP गरम गरम रोटी के साथ। तो यहाँ खाना खाते हैं फिर आगे निकलेंगे। ये हम यहाँ से निकले थे और क्रॉस कर रहे थे कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है आगे। ये तमाम बसेस गाड़ियाँ सब रुके हुए हैं यहाँ पर, लोग पुलिस ने रोका हुआ है यहाँ पर। तो आगे कहीं कह रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसका काम शुरू नहीं हुआ है अभी, अभी उसका काम शुरू होगा, उसके बाद उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए अब यहीं पर ही सारे रुक गए। ये सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये नहीं सारी बाइक, ये तमाम बाइकर्स यहाँ रुक गए। ये हमारे बुजुर्ग वसीम भाई वेट कर रहे हैं ये कि खाना बने और फिर खाने पे ये टूट पड़े। आगे आर्मी वाले खड़े हैं, ये तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और हम लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 घंटे हो गए सब लोगों को। तकरीबन ये 500 से 600 गाड़ियाँ हैं, सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ। ये पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर, ये गाड़ी लगाई हुई है, पुलिस ने मना किया हुआ है आगे जाने से। और ये हमारी बाइक्स हैं, हमने यहाँ कैंप लगाया था वो फारिग कर दिया, वाइंड अप करके हम आगे निकल रहे हैं क्योंकि आगे से राइडर्स आए हैं अभी कुछ। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 50-60% काम हो गया है, तो बस अब हम आगे निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये इंडस रिवर के साथ साथ बस रास्ता सीधा जा रहा है, यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं आगे रास्ता मिल जाए तो लेट नाइट पहुँच जाएंगे उस तौर। तो इंशाल्लाह बस तैयारी हो गई है, निकलना है यहाँ से। ये है लैंड स्लाइडिंग एरिया जहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई थी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काम चल रहा है, यहाँ पर पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, इसको हटा
हैं बाइकर्स कुछ, ये है बाइकर्स, तमाम बाइकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। ये काम जैसे ही पूरा होता है तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो इसको क्लीन कर रहे हैं, रोड को साफ कर रहे हैं। ये जो मशीनरीज लगी हुई हैं यहाँ पर FWO वाले लगे हुए, फिर ये तमाम लोग यहाँ से क्लियर हो गए। ये बड़ी मुश्किलों से हम निकल कर आ गए हैं। यहाँ लैंडस्लाइडिंग एरिया था जैसा आपको दिखाया था, ये एरिया था वो जहाँ ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे। ये पूरा एरिया अभी भी बिल्कुल चिकना है, लेकिन बहुत मुश्किलों से राइडें बाइक्स निकाली हैं हमने। ये हमारी बाइक्स, ये मेरी बाइक है, ये राइडर्स सारे खड़े हैं। ये तमाम अभी क्रॉस कर कर आए यहाँ से। फुल एडवेंचर हो गया आज तो भाई, फुल एडवेंचर चल रहा है। रोड पे ही खाना बनाया, रोड पे ही चाय बनाई हमारे माशाल्लाह राजू भाई ने, कमाल कर दिया। लैंडस्लाइडिंग भी देख ली, ये एडवेंचर भी कर लिया, बारिश भी देख ली, पूरे रास्ते सारे काम हो गए इस ट्रिप में। क्यों मानी भाई, आपका क्या ख्याल है इस ट्रिप के बारे में? लाइट बंद कर। माशाल्लाह सिंध बैकर्स की हमारी तैयारी हर हवाले से थी। अगर हम रोड पे रुके तो खाने पीने का भी इंतजाम होता है, जबकि आवाम भी बहुत परेशान थी। और हिजबे तौफीक अल्लाह पाक ने जिस जिसके हमारे लाइक किया तो उसके भाई काम भी आए माशाल्लाह। बिल्कुल भाई माशाल्लाह। आप बताएं मानी भाई, बहुत मजी आ रही है, बेहतरीन चल रहा है। आरिफ भाई एडवेंचर का मजा आ गया, बेहतरीन मजा आ गया। राजू भाई पैसे वसूल, पैसे डबल वसूल। और कौन है अली भाई, कैसा रहा अली भाई? बहुत जबरदस्त। अच्छा अली भाई, अली भाई एक आँख से चला रहे हैं बाइक, एक आँख से दो आँख तो खोले, खुली हुई था। अरे वो आपके उसमें आ रहा है। ये वसीम भाई भी आए यहाँ पर, जिंदगी पहले एक बार तेल थी, यहाँ आने के बाद दो बार तेल हो गई, दो बार तेल हो गई। ये वसीम भाई, ये वसीम भाई भी, इन्होंने भी फुल एडवेंचर किया इस ट्रिप पे। इन्होंने बाबू सर को गाड़ी भी चढ़ा दी बाबू सर पे, वापस भी उतारी है वहां से, बारिश में भी चलाई है इन्होंने, इन्होंने बारिश में भी गाड़ी चलाई है, और अब लैंडस्लाइडिंग एरिया में भी ये गाड़ी चलाकर आ रहे हैं। तो सलाम है वसीम भाई आपको, बेहतरीन हमारे राइडर, बुजुर्ग राइडर हैं ये। अब बस बाकी सारी गाड़ियां आ गई हैं, दो बाइक्स फंसी हुई हैं, उनका इंतजार है वो बाइक्स आ जाएं। ये सारी गाड़ियां अभी लाइन में लगी हुई हैं जाने के लिए, वो बाइक्स आ जाएं, बस निकल आए वो लोग भी, रापता हो गया है उनसे वायरलेस पे। बस अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह ताला। ये बाइक, ये पाँव, कीचड़ बहुत कम थी लेकिन पाँव रखा नहीं नीचे, बाइक को निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक भी सेफ है। अब निकलेंगे यहाँ से अस्तोर की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने स्टे किया था अस्तोर से थोड़ा सा पहले, ये हमारा सामान था यहाँ पर जो बाइक्स पे बन चुका है। ये इसका वेटिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया, और ये बाइक्स खड़ी हुई है हमारी सारी, तैयारी हो गई है फुल, क्योंकि मौसम कभी भी बारिश हो सकती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी भी, कल भी रात को बारिश हुई है। देखें यहाँ पर, ये रास्ता जा रहा है अस्तोर, और यहाँ हमने स्टे किया था, ये रूम्स बने हुए इसके, यहाँ स्टे किया था, यही खाना खाया था, यहाँ बाइक्स खड़ी हुई थी सारी, और ये अस्तोर जा रहा है रास्ता, ये आगे से हो रहा। ये आप व्यू चेक करें बस यहाँ से, ये
दरिया पूरे रास्ते में बह रहा है। हमने रात को ये रास्ता कवर किया था क्योंकि हम लेट हो गए थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से। ये देखें आप, ये व्यूज चेक करें बस। अब ये पूरा दरिया था, ये रास्ता जो आ रहा है ये पूरा रास्ता ये हमने रात को तय किया था। रात को हमें ये नज़ारे नहीं मिले थे तो इसलिए हम यहाँ स्टे कर लिया था हमने। अब हम जाएंगे यहाँ से अस्तोर, इस रास्ते से ऊपर की तरफ अस्तोर आएगा, वहाँ पर नाश्ता करेंगे और उसके